हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ वो है आईफोन 12 प्रो का रिव्यू, जो कि मैं लगभग इसे 5 से 6 महीने इसको यूज़ करने के बाद दे रही हूँ। मुझे लगा कि मुझे ये रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है मुझे इस फ़ोन के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये इसका बॉक्स है जो कि काफ़ी छोटा सा है, एप्पल वालों ने इसको बहुत छोटा कर दिया है। और ये फ़ोन है जो कि थोड़ी देर बाद मैं इसके बारे में बताती हूँ। इसके बीच में हमें चार्जर नहीं मिला है और ना ही एयरफोन्स मिले हैं। ये है एप्पल का, इसमें स्टिकर दिया हुआ है और यूज़र मैनुअल है जो कि मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी। अगर आप इसे परचेज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत रीड कर लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है फ़ोन के बारे में। और एक इसमें ये एप्पल का स्टिकर दिया हुआ है इन्होंने। वैसे तो इन सबको कोई रीड नहीं करता है, फिर भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं जिस टाइम पे आप इसे परचेज़ करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने जो दिया हुआ है, इसकी जो पिन होती है वो दी हुई है एक, और साथ में इसकी जो कॉर्ड है चार्जर वाली वो दी हुई है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं यहाँ पे फ़ोन के बीच में अवेलेबल है। बॉक्स तो आपने देखा ही है कि काफ़ी छोटा कर दिया है इन्होंने। तो अभी चलो फ़ोन के पास चलते हैं, उसे देखते हैं कि किस तरह का है। तो ये फ्रेंड्स, मैंने गोल्ड कलर का परचेज़ किया था। तो देखते हैं इसको ओपन करके। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मैंने यूज़ किया हुआ है, तो वीडियो में सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही मैं इस तरह से ऑफ़ करके ऑन कर रही हूँ। अदरवाइज़ ऊपर मैंने इसकी स्क्रीन जो प्रोटेक्टर है वो भी लगाया हुआ है। ये साइड पे देखिए, ये इसकी बॉडी जो गोल्डन कलर की है ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, और इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स जो हैं बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। तो आपको इसे बार बार साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो आप केस इसके लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी स्मूथ है। ये इसका जो वॉल्यूम का बटन है उसे हम ऑफ़ और ऑन कर सकते हैं, ये वाला। और नीचे वॉल्यूम अप और हाई और लो का बटन दिया हुआ है, और साइड से स्विच ऑफ़ करने का दिया हुआ है। तो इसका जो फ्रंट वाला स्क्रीन है वो नैनो क्रेमिक क्रिस्टल का बना हुआ है, जो कि जल्दी से इसके ऊपर स्क्रैच नहीं आते हैं। अगर जैसे गलती से अगर गिर भी जाएगा तो इसकी स्क्रीन जो है वो टूटेगी नहीं। काफ़ी अच्छा मतलब इन्होंने दिया हुआ है आईफोन वालों ने। अब इसमें फ़ीचर्स जो इसके हैं आगे से काफ़ी इम्प्रूव किए हुए हैं। इसका स्क्रीन टाइम या कुछ भी आप इजीली वीकली या डेली देख सकते हो, चेक कर सकते हो। इसका फ्रेम जो है काफ़ी अच्छा है और लाइट वेट भी है ये। वो अलग बात है कि इसके साथ उन्होंने एक्सेसरीज़ नहीं दी हुई। इसकी जो डिस्प्ले है वो 6.1 इंचेस है, पहले से तो काफ़ी बेटर है। और इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो भी इंक्रीज़ किया हुआ इन्होंने। कैमरा भी जो है वो भी उसकी डेंसिटी जो है वो 460 दी हुई है, और डिस्प्ले भी काफ़ी इम्प्रेसिव है इसकी। और फ्रेंड्स, इसका जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी अच्छा है, पहले से तो काफ़ी अच्छा है। और सिक्योरिटी अगर हम देखें तो वो भी इसकी अब पहले से काफ़ी इम्प्रूव की है इन्होंने, एप्पल वालों ने। और परफॉर्मेंस जो है इसकी काफ़ी फास्ट है और स्मूथ भी है ये। म्यूज़िक भी काफ़ी इसका क्लियर है और साउंड भी बहुत अच्छा आता है। और अगर इसके कैमरा के ऊपर जाएं तो ट्रिपल कैमरा दिया है इन्होंने। हर तरफ से इसकी पिक्चर जो है वो क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है। और ये साइड्स के ऊपर देखिए, ये गोल्डन कितना मस्त लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है। और स्मूथ भी बहुत है इसका कटिंग जो है, एजेस बहुत स्मूथ हैं। और ये चार्जर लगाने के लिए है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है।
और प्राइस के अकॉर्डिंग महंगा ज़रूर है, लेकिन अगर हम सिक्योरिटी वाइज देखें या यूज़ करना चाहें तो ये काफ़ी अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।